हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व। जिसे महेंद्र सिंह धोनी ने सिखाया, उसने ऑस्ट्रेलिया में कमाल दिखाया। पहले ही मैच में 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और बल्ले से रहे हैं और बल्ले से कंट्रीब्यूशन नहीं भूला जा सकता। अर्धशतक जो उन्होंने जड़ा है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नाम है शार्दुल ठाकुर। ठाकुर भाई मान गए ले, क्या बोला था कुछ मैं बोल भी नहीं सकता कुछ, लेकिन उसका मतलब ये था विराट कोहली का कि भाई मान गए ठाकुर। तो जब कप्तान ने भी मान लिया है तो बाकी सब भी मान रहे हैं। 7 विकेट 50 और अभी एक इनिंग बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र हमने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके से वो खेलते थे और सीएसके के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो धोनी के पसंदीदा भी थे और धोनी की छत्रछाया में जो आगे बढ़े, जो नाम बने, जैसे कि रविंद्र जडेजा नाम बने, अश्विन खिलाड़ी है, अश्विन बिल्कुल, और अब शार्दुल ठाकुर भी। यार धोनी को सलाम है यार, कितने खिलाड़ी दे दिए उस खिलाड़ी ने अपने साथ साथ ना रहते हुए भी। अभी भी टीम में नहीं है लेकिन फिर भी देखिए उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। और इसीलिए बताएंगे उसके पीछे की असल वजह। और इसीलिए अपूर्व इतने बड़े लीडर माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। एक लीडर सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ अपने आप को आगे ले जाए या अपने साथ में टीम को आगे ले जाए। महेंद्र सिंह धोनी ने किया क्या है कि उन्होंने पूरी टीम को, आज आप अगर इस टीम को देखें ना, मैं इसमें विराट कोहली को भी जोड़ दे रहा हूँ, रोहित शर्मा को भी जोड़ दे रहा हूँ, इन सारे खिलाड़ियों को बैक करते हुए कॉन्फिडेंस देते हुए आगे लाना, ये सिर्फ धोनी का ही काम है। और शार्दुल ठाकुर को लेकर के आप शायद कुछ कह रहे थे। शार्दुल ठाकुर के लिए मैं ये कह रहा था कि सचिन, क्योंकि वो मुंबई के हैं, सचिन ने उनको पहचाना, उनके कला को पहचाना, जैसे कि रोहित शर्मा के लिए सचिन ने बोल दिया था। सचिन को भी मैं सलूट करूंगा यार, इतने बड़े खिलाड़ी की पहचान जाते हैं किसके टैलेंट की परख है बिल्कुल। और उसके बाद सचिन ने पहचाना और उसके बाद धोनी ने उसे तराश दिया पूरी तरह से, देखिए मतलब। और शार्दुल ठाकुर बैटिंग बहुत गजब की करते हैं, हमने देखा है। शायद आपको ये ना पता हो लेकिन उन्होंने 12 या 14 साल की उम्र में 6 छक्के भी लगा रखे हैं। और इसके अलावा जो उनकी बैटिंग है वो हमने इंडिया लेवल पे भी देखी है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखी है, फरवरी में देखा था। इसके अलावा हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी बैटिंग को देखा है। IPL में क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने उन पर विश्वास किया, बिकॉज वो बैट भी कर सकते हैं। और मुझे दीपक चाहर बता रहे थे कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी बार बार इस चीज पर फोकस कर रहे थे कि बेटा इंडिया खेलना है तो ये चीज अपने में लाओ, यूटिलिटी लाओ, बैटिंग को मजबूत करो। क्योंकि अब देखिए ना, वॉशिंगटन सुंदर बैट कर सकते हैं, अश्विन बैट कर सकते हैं, यही तो चाहिए था आपको, आपको और क्या चाहिए था। विराट कोहली बार बार यही बोल रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे ODIs हो। आप देखिएगा वॉशिंगटन सुंदर T20 तो खेल ही गए, टेस्ट मैच भी खेल गए, अब यहां से रास्ता 50 ओवर का ही बचता है। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने बार बार शार्दुल ठाकुर को भी कहा, दीपक चाहर को भी वो लगातार कहते रहते कि इंडिया खेलना है तो यूटिलिटी लाओ, और ज्यादा यूटिलिटी लाओ अपने अंदर। और यही करके दिखाया शार्दुल ठाकुर ने भी, गेंद से भी, बैट से भी। और इसीलिए तो शार्दुल ठाकुर का अगर इस मैच में किसी का सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है तो मेरे लिहाज से वो शार्दुल ठाकुर है। मोहम्मद सिराज ने निश्चित तौर पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी से बहुत ज्यादा इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे पिक्चर को तो फिर शार्दुल ठाकुर नंबर 1 है। तो इसीलिए भाई धोनी को भी सलाम है, उन तमाम विकेटर्स को सलाम है जिन्होंने शार्दुल ठाकुर के टैलेंट को पहचाना, आगे बढ़ाया, उन्हें सिखाया। और वो आज खैर शार्दुल ठाकुर को तो खुद भी सलाम है क्योंकि करते तो वही है और नाम दूसरों का भी होता है क्योंकि उन्हें बढ़ाया है। खैर कैसी लगी ये खबर बताइएगा जरूर, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।